नमस्कार दोस्तों, आज मैं द्विवेदी युग का भाग दो लेकर आई हूँ। इसमें मैं द्विवेदी युग के कवि और उनकी कृतियों के बारे में बताऊंगी। श्रीधर पाठक, इनका जो जन्म है 1862 में और मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई थी। यह खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं और इनकी रचनाएं, अनुदित रचनाएं जो है गडरिये और दार्शनिक, यह इनकी अनुदित रचना है। इसकी मूल रचना सेफर्ड एंड है और इसके रचनाकार ग्रे हैं। नेक्स्ट है दार्शनिक और गडरिये का जो मूल रचना का नाम है सेफर्ड एंड फिलासफर है, पूरा नाम सेफर्ड एंड फिलासफर। नेक्स्ट है एकांतवासी योगी, 1886 ईस्वी में मूल रचना इसकी हर्मिट है और इसे गोल्ड स्मिथ ने लिखा था। इसकी अनुदित भाषा जो है वह खड़ी बोली है। नेक्स्ट है उजड़ ग्राम 1879 ईस्वी में और इसके मूल रचना डिटर्जेंट विलेज है और इसे भी गोल्ड स्मिथ ने लिखा था। इसकी जो अनुदित भाषा है वह ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है शांत पथिक 1902 में श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया था। इसके जो मूल रचना है वह ट्रेवलर है और इसे भी गोल्ड स्मिथ ने लिखा था और इसकी मूल अनुदित भाषा जो है वह खड़ी बोली है। नेक्स्ट है ऋतु संहार का जो मूल नाम है, मूल रचना है, उसका भी नाम ऋतु संहार है। इसे संस्कृत के कवि कालिदास ने लिखा है। कालिदास बहुत बड़े जो है संस्कृत के लेखक हैं। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जिसमें की है और ये इसकी भाषा, अनुदित भाषा जो है श्रीधर पाठक ने इसे ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है वनाष्टक श्रीधर पाठक की यह मौलिक खड़ी बोली में रचना है। देहरादून भी इनकी मौलिक खड़ी बोली में रचना है जो 1915 में श्रीधर पाठक ने लिखा है। भारत गीत भी श्रीधर पाठक की 1988 में लिखे थे, यह भी मौलिक खड़ी बोली में मौलिक कृति है इनकी। नेक्स्ट है जगत सच्चाई सार, ये भी खड़ी बोली में मौलिक रचना है श्रीधर पाठक की। नेक्स्ट है स्वर्गीय बीड़ा भी मौलिक रचना है ब्रजभाषा की। धनंजय विजय भी यह खड़ी बोली में लिखे हैं श्रीधर पाठक ने। नेक्स्ट है सांध्य अटन, इसको भी श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में लिखा है। नेक्स्ट है गुणवंत हेमंत को भी श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में 1900 ईस्वी में लिखा था। कश्मीर सुषमा भारतेंदु हरिश्चंद्र सॉरी श्रीधर पाठक ने मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में किए थे ब्रजभाषा में। नेक्स्ट है मनोविनोद श्रीधर पाठक ने 1882 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुवादित और मौलिक लगभग 80 ग्रंथों की रचना की है। इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं, काव्य संग्रह है काव्य मंजूषा, सेकंड है सुमन 1923 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। नेक्स्ट है देव स्तुति शतक भी जो है यह काव्य संग्रह है इनकी। नेक्स्ट है विनय शतक भर्तहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुवादित काव्य है। इसकी भर्तहरी ने वैराग्य शतक का दोहे में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है बिहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है। नेक्स्ट है स्नेहमाला भर्तहरी के सिंगार शतक के दोहों का अनुवाद है। नेक्स्ट है गंगा लहरी जो है पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी की सवैयों का अनुवाद है जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है अनुवादित किया है। नेक्स्ट है ऋतु तरंगड़ी यह कालिदास का ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। नेक्स्ट है
सरगव नरक ठिकाना नाही, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, हरियोध इनका उपनाम है और 1865 में इनका जन्म हुआ था, 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इनकी तीन प्रबंध काव्य हैं, प्रिय प्रवास 1914 में लिखे थे और इसमें 17 सर्ग है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा जाने तक का वर्णन जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने किया है। अगला प्रबंध काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय का है परिजात, 1937 में इन्होंने लिखा था। इसमें 15 सर्ग हैं। यह आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन है वैदेहिक वनवास में, परिजात में। वैदेहिक वनवास, वैदेहिक वनवास 1941 ईस्वी में लिखे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। इसमें 18 सर्ग है। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वसन की कथा है। नेक्स्ट है कृष्ण शतक, कृष्ण शतक। नेक्स्ट है कृष्ण शतक को 1882 ईस्वी में हरियोध ने लिखा था। नेक्स्ट है रसिक शतक, रसिक शतक को 1899 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था। नेक्स्ट है प्रेमावृद्धि, प्रेमावृद्धि 1900 ईस्वी में जो है हरियोध ने लिखा था। नेक्स्ट है प्रेम प्रपंच, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट है प्रेमाब्दु प्रश्रमण, प्रेमाब्दु प्रश्रमण जो है इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय ने 1901 ईस्वी में लिखा था। प्रेमाब्दु प्रवाह है, प्रेमाब्दु प्रवाह 1901 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट है चोखे चौपते चुभते तोपते, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों याद करने में भी सरल है। जिसे चोखे चौबते 1932 ईस्वी में और चुभते चौबते 1924 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था। नेक्स्ट है पद्म प्रसून, पद्म प्रसून 1925 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। इनकी नेक्स्ट रचना है बोल चाल, बोल चाल 1928 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट है रस कलश, रस कलश ब्रज भाषा में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। यह एक रीति ग्रंथ है, इसे 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था। नेक्स्ट है फूल पत्ते, फूल पत्ते 1935 में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट कल्पलता, कल्पलता 1937 में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट है ग्राम गीत, ग्राम गीत 1938 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। हरियोध सतसई, हरियोध सतसई को अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो है 1940 ईस्वी में लिखा था। नेक्स्ट रचना है मर्म स्पर्श, मर्म स्पर्श 1926 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट है रामचरित उपाध्याय, नेक्स्ट कवि हैं रामचरित उपाध्याय, 1872 में इनका जन्म हुआ था, 1938 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वह है रामचरित चिंतामणि, इसे 1920 में रामचरित उपाध्याय ने लिखा था। यह एक प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है राष्ट्र भारती, नेक्स्ट है देवदूत और इसके बाद देव सभा इन्होंने लिखा और नेक्स्ट है विचित्र विवाह और इसके बाद भारत सूक्त को इन्होंने लिखा। नेक्स्ट है देवी द्रौपदी और अगली रचना सूक्त मुक्तावली, सूक्त मुक्तावली इनकी रचना है और मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक तुलसी भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है चिरगांव झांसी में हुआ था और इनकी गुरु जो थे वह महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिनके नाम पर द्विवेदी का नाम पड़ा है और इनके पिता राम शरण
दास थे। इनकी कविता रंग में भंग यह इनकी प्रथम काव्य संग्रह है और इनकी प्रथम कविता जो है वह हेमंत है। हेमंत को 1905 में लिखा गया था, लिखे थे मैथिली शरण गुप्त ने, और रंग में भंग 1909 में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। नेक्स्ट है जयद्रथ बध, जयद्रथ बध को 1910 में लिखे थे मैथिली शरण गुप्त ने। और नेक्स्ट है किसान, किसान 1917 में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। विकट भट्ट, विकट भट्ट 1929 ईस्वी में, विकट भट्ट 1929 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। गुरुकुल, गुरुकुल इनकी नेक्स्ट रचना है, यह काव्य है 1929 ईस्वी में इसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। नेक्स्ट है साकेत, साकेत जिसमें उर्मिला, उर्मिला और लक्ष्मण का वर्णन किया गया है, इसे 1931 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। साकेत मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत भारती, भारत भारती 1912 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। नेक्स्ट है झंकार, झंकार 1929 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। यशोधरा 1932 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। द्वापर, द्वापर भी इनकी, यशोधरा, द्वापर इनकी सारी रचनाएं मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सारी रचनाओं पर ध्यान दीजिएगा। द्वापर 1936 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। जय भारत, जय भारत 1952 ईस्वी में, और विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी में, सिद्धराज, सिद्धराज 1936 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। हिंदू 1927 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। बैतालिक, इसके बाद पंचवटी और प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध इनका जो है यह अनुदित काव्य है। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य है और मेघनाथ बध, श्रृंगार, वृत्त श्रृंगार, इनका यह तीनों जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य है। नेक्स्ट है गिरधर शर्मा नवरत्न, गिरधर शर्मा नवरत्न का जन्म 1881 ईस्वी में और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वह झालरा पाटन है, झालरा पाटन में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मातृवंदना मौलिक कृति है, मातृवंदना इनकी जो है रचना मौलिक कृति है। नेक्स्ट है लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे का जन्म 1886 ईस्वी में, मृत्यु 1961 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान बालापुर मध्य प्रदेश हुआ था। लोचन प्रसाद पांडे का जन्म बालापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचना प्रवासी, मेवाड़ गाथा, नेक्स्ट है मेवाड़ गाथा, इसके बाद महानदी, पद्म पुष्पांजलि और मृग दुख मोचन, मृग दुख मोचन इनकी रचना है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है वह घंटी का बटन दबाना ना भूले ताकि जब मैं अपनी वीडियो डालूं तो वह उस तक पहुंचे और वह उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद।